नए साल में प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय वल्लभ कॉलेज भी नए स्वरूप में दिखेगा। कॉलेज परिसर की नई सिरे से मरम्मत करवाई जाएगी, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन को करीब 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसी माह मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। फरवरी 2018 में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इसका मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा। वरिष्ठ राज खत्म होने के बाद एक साल बाद 1948 में मंडी में राजकीय वल्लभ कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसके बाद कॉलेज की कभी मरम्मत नहीं हुई। इतने साल बीत जाने पर भी कॉलेज परिसर का ढांचा अब भी वही है। मंडी के अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर के विद्यार्थी भी यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मौजूदा समय में 6000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। साल दर साल विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ने लगा है। भवन की हालत ठीक न होने से कक्षाएं लगाने में भी परेशानियां होती हैं। लगभग 7 दशक से इसकी मरम्मत न होने के कारण कॉलेज का पुराना भवन जर्जर हो गया है। कई कमरों की खिड़कियां व दरवाजे टूट चुके हैं। दीवारें भी जर्जर हालत में हैं। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं हादसे का भी अंदेशा बना हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने अब भवन की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि कॉलेज का एक नया भवन भी है, लेकिन नए भवन में 17 उन्नत व स्नातक के अधिकतर नए कोर्स की कक्षाएं लगती हैं। शेष कक्षाएं पुराने भवन में ही लगाई जाती हैं। हमारे कॉलेज में काफी समय से कोई ऐसी सिविल वर्क, रिपेयर्स, पेंट्स वगैरह का काम नहीं हो पाया था, तो हमने सरकार से इस बाबत 21 लाख रूपये हमने मंजूर करवाया है और इसमें पूरे कैंपस का एक फेसलिफ्ट का एक कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है और पीडब्ल्यूडी से हमारी बात हो चुकी है और इसमें 21 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, जिसमें रास्तों का पक्का करना, पेबल्स को बिछाना, पेंट्स करना और जो छोटी मोटी मरम्मत है उसका कार्य है। तो सभी ब्लॉक्स में ये काम काफी जल्दी शुरू हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि शिवरात्रि मेले से पहले पहले ये कार्य सारा समाप्त हो जाएगा और ये महाविद्यालय आने वाले समय में काफी ग्रो करने वाला है। तो इसमें फिलहाल अभी जो फर्स्ट फेज होगा रिपेयर्स का और इसकी मेंटेनेंस का, वो जल्दी ही शुरू होने वाला है और छात्रों की सुविधा के लिए हमने लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में 4 AC भी लगवा दिए हैं, जिससे उनको सर्दी में बैठने में जो दिक्कत होती थी वो अब उनको नहीं आ रही है। और उसके अलावा ऑफिस में और उसमें भी हमने AC लगवा दिए हैं, जिससे थोड़ी बिजली की भी उसमें खर्चा कम होगा। और उसके अलावा हमारे जो बास्केटबॉल फील्ड है, दूसरी क्रिकेट पिच है और दूसरी कबड्डी फील्ड है, उनका भी हमने रिपेयर्स के एस्टीमेट हमारे अब तैयार हो चुके हैं और इसके लिए भी जल्दी ही मार्च के बाद इस पे काम